हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मुझे ये कंप्लेन कर रहे थे कि मैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बात नहीं करता हूं। और उसकी वजह क्या थी कि मेरा कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा था जिसके थ्रू मैं आपको प्रॉपरली ऑथेंटिक वे में और विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अब मैंने ये बोर्ड खरीद लिया है अपनी किडनी बेच के, तो होपफुली अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियो बनाकर आपको इन सभी टेक्निकल पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स, इन सब के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आइए, आज से हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न की। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आइए पहले इस पैटर्न को थोड़ा हम समझते हैं। तो अगर आप देखिए तो इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और ये एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इसमें आपको क्या दिखता है? पहली चीज़ तो आपको एक यहाँ पर पीक दिखेगा जिसे हम कहते हैं हेड, और इसके बाद आपको दो और पीक्स दिखेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट शोल्डर, और जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसे हम कहते हैं राइट शोल्डर। अब इस तरीके के जब आप कोई भी चार्ट देखेंगे तो इस तरीके के बहुत से पीक्स आपको दिखेंगे। तो कैसे हम ये उसे एस्टेब्लिश करें और आइडेंटिफाई करें कि प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए? क्योंकि आप किसी भी तीन पीक को देखकर हेड एंड शोल्डर मान लेंगे और फिर वो उस तरीके से परफॉर्म शायद ना कर पाए। तो उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन के गाइडलाइंस होते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या होती है? सिमेट्री। सिमेट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप अगर इसे बीच से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये दोनों पीक लगभग एक जैसे होने चाहिए। तो कोई एक पीक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो पीक बना ये कितने दिनों पहले बना और ये पीक कितने दिनों पहले बना। तो अगर ये पीक 10 दिन पहले बना था और ये पीक जो है 30 दिन बाद बना तो हम उसे हेड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे। तो जितने दिन पहले ये वाला पीक बना था लगभग उतने ही दिन बाद ये वाला पीक बनना चाहिए। 2-3 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और शेप में भी आपको थोड़ा सिमेट्री देखना पड़ेगा, एक तरीके से मिरर इमेज होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि ये वाला जो शोल्डर है ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो एक तो सिमेट्री का रूल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। दूसरा जो रूल क्या है कि वॉल्यूम आपको देखना है कि इस वाले पीक पे जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, यहाँ का वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगा और कंपैरेटिवली यहाँ का वॉल्यूम कम होगा। तो ये भी एक तरीके का कंफर्मेशन होता है कि ये एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर आपको रिवर्स दिखता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कम है और यहाँ पे ज़्यादा है तो शायद हम इसे हेड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे। और मैं आगे आपको विथ एग्जाम्पल ये सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं और वो है नेक लाइन। तो नेक लाइन क्या होती है कि जब ये पीक यहाँ पर बना लिया उसके बाद नीचे आया, क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं आएगा तो हम उसे पीक मानेंगे कैसे, तो उसको नीचे आना है। तो इस नीचे वाले से इस नीचे वाले की अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो उसे हम कहते हैं नेक लाइन। तो ये नेक लाइन ही हमें बताता है कि कब हमें एंट्री लेनी है और कब हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो जब तक ये नेक लाइन से नीचे ब्रेकडाउन होकर प्राइस नहीं आती है तब तक हमें यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं करनी है। तो जब ये नेक लाइन तोड़ देगा वहाँ पर आपको देखना है कुछ देर के लिए कि सस्टेन हो रहा है, तब आप यहाँ पर सेल करेंगे, अदरवाइज आपको सिर्फ इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। और जब आपने एंट्री कर ली तो उसे एग्जिट कहाँ करना है, उसका टारगेट कहाँ है, कितना दूर तक उसके प्राइजेस जा सकते हैं, तो उसे पता करने का भी एक तरीका होता है। और वो ये है कि आप इस नेकलाइन से ये डिस्टेंस को नापिए। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर फॉल भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये मान लीजिए कि 10 पॉइंट है तो इस नेकलाइन से आपको नीचे 10 पॉइंट मिलेंगे।
तो ये हाइट ही डिसाइड करता है कि ये पैटर्न आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो आइए हम एक क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में तीन पीक होते हैं, पीक वन, पीक टू, पीक थ्री। तो जो ऊपर वाला पीक होता है, जो सबसे बड़ा पीक होता है, उसे हम कहते हैं हेड, और ये होता है लेफ्ट शोल्डर, ये होता है राइट शोल्डर। और इसके बाद जब पीक बनने के बाद जो बॉटम होता है, और ये पीक बनने के बाद जो बॉटम होता है, तो इसको अगर लाइन खींचेंगे तो ये है नेकलाइन, और नेकलाइन से अगर हेड की डिस्टेंस लेंगे तो ये पैटर्न की हाइट होती है, और इतना ही फॉल नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद हमें मिलने की उम्मीद होती है। तो ये हमारा एक बेरिश पैटर्न है। अब इसी का को आप इन्वर्स कर देंगे तो आपको बुलिश पैटर्न मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिमिलर जो है पैटर्न आपको दिख रहा है। मतलब आप अगर इसे मानेंगे कि आदमी सीधा खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप मानेंगे कि आदमी उल्टा खड़ा हुआ है। तो उसका हेड नीचे है और दोनों शोल्डर ऊपर है। जब हम इस वाले पैटर्न को देख रहे हैं तो हमारा सर ऊपर है, दोनों शोल्डर्स नीचे हैं। तो ये उसी तरीके का पैटर्न है, बट ये बुलिश पैटर्न है, और जो रूल वहाँ पर अप्लाई करते थे वही रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए, और जब ये नेकलाइन को तोड़कर प्राइस ऊपर जाएगा तभी हमें बाय करना है। और टारगेट कितना होगा, जितना ये हाइट है उतना ही है यहाँ पर हमें टारगेट मिलेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि रूल्स दोनों अलग है, बट एक बुलिश पैटर्न है, दूसरा बेरिश पैटर्न है। तो आइए अब मैं आपको कुछ एक्चुअल एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ पास से, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा समझ सकें। तो ये देखिए, ये एक आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर हमें दिख रहा है, और जो हमने डिस्कस किया वो क्या है कि ये देखिए, ये यहाँ पर बना हेड, और ये यहाँ पर बना आपका लेफ्ट शोल्डर, और ये यहाँ पर बना आपका राइट शोल्डर। अब आइए थोड़ा मैं वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखिए, तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, और वहीं अगर आप इस पीक में देखिए तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली यहाँ पर लो दिख रहा है। तो ये क्लियरली हमारा जो हमारे रूल्स हैं उसको, उस क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है। और दूसरा अगर आप देखिए तो इसकी सिमेट्री को देखिए, जितना डिस्टेंस पे ये पीक बना है उतने ही डिस्टेंस पर लगभग ये पीक बना है। तो ये एक तरीके का टेक्स्ट बुक स्टाइल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और इसकी नेकलाइन कहाँ पर आती है, तो नेकलाइन ये ऐसे बनती है, और इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, और कितना टारगेट हमें मिलता है, जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस लगभग हमें, देखिए आप एग्जैक्टली उतना ही लगभग हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिला, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक रिलायबल पैटर्न होता है, लेकिन इसमें लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो कोई भी तीन पीक को हेड एंड शोल्डर करार देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये पैटर्न्स जो हैं आपको किसी भी चार्ट पर दिख जाएंगे, आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 1 डे, 1 वीक, सभी पे मिलेंगे। लेकिन देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न पे जब आप काम करते हैं ना, तो उस चार्ट का जो इंटरवल होता है वो जितना बड़ा होता है, उस पैटर्न की रिलायबिलिटी उतनी कम होती है। डेली चार्ट पे ये अच्छा काम करता है, आपके आवरली चार्ट पे भी अच्छा काम करता है, 5 मिनट 10 मिनट्स पे भी अच्छा काम करता है, लेकिन अगर वीकली मंथली पे करेंगे तो थोड़ा वहाँ पे उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो आइए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। अब देखिए, ये वाला एक पैटर्न देखिए, तो ये आपको कुछ लोग इसको देखकर शायद हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सारे रूल्स एक तरीके से मीट नहीं हो रहे हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये एक हेड है और ये एक हेड है, लेकिन थोड़ा आप अगर देखें पैटर्न को तो वहाँ पर कुछ सिमेट्री बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। और अगर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पर आप देखिए थोड़ा कम सा है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सा है। तो ये कुछ मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो इसलिए हम इसे हेड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे। देखिए, जब भी आप डाउट में हो, वेन एवर यू आर इन डाउट, जस्ट लेट इट गो कि भाई नहीं नहीं ये तो बात नहीं बन रही, कुछ ज़बरदस्ती का हमें वहाँ पर घुसने की और ट्रेड लेने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आइए कुछ और पैटर्न्स को भी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया हमारा हेड, और ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, और
ये हमारी हो गई नेकलाइन, और नेकलाइन के ब्रेक करने के बाद ये हमारा जितना था उतना यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला। और अगर वॉल्यूम का हम यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर आप देखिए एवरेज से ऊपर है, और यहाँ पर आप देखिए थोड़ा लोअर है। तो कई इंडिकेशंस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये एक रिलायबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक फ्री ट्रेड हुआ है इसकी वजह से थोड़ा डाउट आ सकता है, लेकिन चूंकि ये टेल है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके तीन में से दो रूल मीट कर रहे हैं तो मे बी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, और अगर एक ही रूल मीट हो रहा है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। जो बारीक चीज़ों को अगर आप देखेंगे और जब पैटर्न के साथ काम करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पैटर्न रिलायबल है कौन सा नहीं। तो आइए मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूँ। तो ये एक और पैटर्न आपको इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर वंस अगेन हेड है, तो प्राइजेज यहाँ से आए, यहाँ पर पीक बनाया, और फिर यहाँ से फिर ये वापस ऊपर गया, और एक छोटा सा ये करके फिर ये ऊपर चला गया। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका राइट शोल्डर है, और ये नेकलाइन के ब्रेक होते ही हमें अपने टारगेट्स मिल जाते हैं। अगर हम वॉल्यूम देखें तो अगर यहाँ पर आप देखिए तो वॉल्यूम की ये सिचुएशन है, और अगर यहाँ पर हम देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर कम है। तो ये भी एक पैटर्न आपको रिलायबल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। अब आइए एक और पैटर्न देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक नेकलाइन को ऐसे ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके ऊपर गया, और जितना टारगेट हमें मिलना था उतना हमें डायरेक्टली नहीं मिला। एक बार फिर यहाँ पर प्राइजेस नीचे आते हैं और फिर वापस जाकर ऊपर जाता है। तो कई दफ़े पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशंस की तरह एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक स्टाइल पे काम नहीं करते, क्योंकि ये मार्केट है और एवरीडे देयर इज़ वन और द अदर न्यूज़ कमिंग। तो कई न्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमारे स्टॉक के फेवर में नहीं जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जस्ट बिकॉज एक पैटर्न आपको मिल गया उसके सारे रूल्स जो है मैच हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर वहाँ पर एक 10 लाख 20 लाख रुपए का ट्रेड कर लें। हमेशा मन में हमें ये डाउट रखना चाहिए कि हो सकता है किसी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से ये पैटर्न काम नहीं करे। तो ये हाईली रिलायबल पैटर्न्स तो ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% सेफ और सिक्योर पैटर्न्स हैं। तो बहुत केयरफुली इन पैटर्न्स को हमें यूज़ करना है, और हमेशा जो है रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूज़ करना है। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स का। तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि और क्या आप देखना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक्स को इस सीरीज़ में कवर कर सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।